आप समझ लो कि ये जो पेज और प्रोफाइल हैक हुई है मेरी, तो इसने मेरी नींद उड़ा दी है। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है सोमवार यानी कि मंडे, एंड ये व्लॉग फ्राइडे एंड सैटरडे का मिक्स व्लॉग है। सो अभी ये हो रहा है दोपहर का टाइम और खाना पीना सब बन गया, सारा काम हो गया, तो मेरे बच्चे आए हुए हैं। सो बस मैंने दोनों को ही बुला लिया था कि भाई आ जाओ तो साथ में खाना पीना खा लेंगे। सो वो नीचे ही अभी बैठे हुए हैं, खाना देके मैं आई हूँ। और यहाँ मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी तो यहीं पे मर गया था वो कबूतर। सो उस दिन तो हल्का फुल्का मैंने साइड से वॉश कर दिया था, बट आज पूरा ही साथ में मिलके जैसे झड़वा लिया है और अब धुलाई हो रही है। तो झड़वा तो साथ में लिया था बट धोया इन्होंने ही है, क्योंकि नीचे नीलू और रितेश भी बैठे हुए थे। सो इस तरीके से पूरा क्लीन तो हो गया है। और जब मैं उस दिन आई थी पक्षी को मतलब दाना डालने, तो वो यहीं मरा हुआ पड़ा था, तो फिर मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। तो ये पूरा एरिया पूरा वॉश हो गया था, उसके बाद यहाँ नीचे उतर के आई हूँ। और जब नीचे उतर के आई हूँ तब तक फिर इन लोगों ने खाना पीना भी खा लिया था, फिर दोनों को गाजर का हलवा भी मैंने गर्म करके दिया। बड़े मन से बड़े प्रेम से दोनों बच्चों ने खाना खाया, सो बड़ा अच्छा लगा वो लोग आए तो। बस यहाँ पे आ गई थी, अब इनके जाने का टाइम है। और ये देखिए, मतलब हमारा एस्ट्रो तो पॉकेट मार डॉगी है ही, आपको पता है कि सबके पॉकेट से वो उसको रुमाल लेने की बहुत आदत है, तो वही इसके साथ थोड़ा खेल रहे थे। बट वैसे बहुत सीधा है, वैसे ही बहुत अच्छा है वो। तो बस यहाँ निकल रहे थे और काफ़ी दिनों के बाद में भी नीलू आया है। रितेश तो फ़िलहाल बीच बीच में आता रहता है, क्योंकि नीलू यहाँ पे अब मतलब है भी नहीं, आउट ऑफ सिटी है। तो बस इसीलिए मैंने बुला लिया था कि बहुत दिन के बाद आया है तो आजा, साथ में बैठ के खाना पीना खाएंगे। सो उसके बाद में फिर ये लोग निकल गए थे। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ, रात का ही टाइम हो रहा है, बहुत ज़्यादा रात तो नहीं हुई है, वही 8-9 का टाइम हो रहा है। सो बस यहाँ वो दोपहर को जो खाना पीना बनाया था वो काफ़ी कुछ था, तो बस डिनर के लिए मैंने रोटियाँ बना ली थी और बच्चे आए थे, खाए पिए, थोड़ी देर हमने बैठ के बातचीत की, फिर वो लोग भी चले गए। सो बस यहाँ भी मेरा किचन का पूरा काम हो चुका था, उसके बाद में फिर मैंने मुँह हाथ धोया है और यहाँ तैयारी हो रही है अब डायरेक्ट आराम करने की, यानी कि सोने की। के 10 मिनट हो रहे हैं रात के, लेटूंगी ज़रा। आप समझ लो कि ये जो पेज और प्रोफाइल हैक हुई है मेरी, तो इसने मेरी नींद उड़ा दी है एकदम। मतलब जानती हूँ कि लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए,
बट वो क्या है कि जैसे कि अगर अभी आपका YouTube पे चैनल है तो YouTube टीम की तरफ से जैसे आ रहा है उसमें लिखा हुआ, तो एक आदमी सोचता है ना कि भाई ऐसी क्या बात है, मैं ऐसी क्या पोस्टिंग कर रही हूँ, क्या है, कहीं मेरा चैनल बंद ना हो जाए, हैन तैन दुनिया भर की बातें दिमाग में आती हैं। उस वक्त दिमाग काम नहीं किया और लिंक पे क्लिक कर दिया। सो आप समझ लो कि एकदम नींद उड़ी हुई है, मतलब जीना हराम हो गया एकदम। ट्राई में लगी हुई हूँ रिकवरी करने का, बाकी पता नहीं। बाकी बस इतना जानती हूँ कि कभी किसी का बुरा नहीं किया है तो बुरा होगा भी नहीं। थोड़ा बहुत ये सब तो चलता रहता है, लेकिन यही है कि आदमी पेशेंस खो देता है। अचानक से जो चीज आपके साथ घटती है तो उस वक्त समझ नहीं आता है कि हुआ क्या आखिर, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है एकदम। बच्चे आए थे, बैठे थे, उन लोगों ने भी चेक किया, जो कर सकते थे सब किया उन लोगों ने। ये अपने हाथ में तो है नहीं, अब वही है, ये सब चीज में थोड़ा समय तो लग ही जाता है। सो आए थे, खाया पिया, थोड़ी बातचीत की, तो थोड़ा मन भी अच्छा लगा। बस अब मुंह हाथ वगैरह धो लिया है, मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है, अभी यहाँ पे बैठ के आराम से पूरे हाथ पैरों में मॉइस्चराइजर लगाऊंगी और उसके बाद अभी और कुछ नहीं करूंगी। मन अच्छा नहीं है ना दो चार दिन से, तो सो जाऊंगी। जिस दिन प्रोफाइल और पेज हैक हुआ है, आप समझ लो मैं रात भर सो ही नहीं हूँ, और नींद भी अगर मुझे आ रही थी ना तो एकदम मतलब मैं उठ जा रही थी चौंक चौंक के, इतना ज्यादा मुझे दिमाग में टेंशन हो गया था। अब तो तैयारी है सोने की, एस्ट्रो का भी खाना हो गया, हम लोगों का भी हो गया, दोपहर को ही बना लिया था बढ़ा के, और हिम्मत भी नहीं थी अभी कुछ करने की। थोड़ा वही है ना कि आपकी तबीयत आपको ठीक लगे, एनर्जी लेवल सही लगे, आपका दिल दिमाग सही लगे, तो एक नहीं 10 वैरायटी बनाने में भी अच्छा लगता है। तो फिर आंचल ने भी बोला कि जो है बस उसी से खा लेंगे। सो डिनर तो हो गया, डिनर सॉर्टेड ही था, बात करते करते आपसे 9:15 बज ही गए हैं। बस अब लेट के थोड़ा आराम करूंगी, सुबह मिलूंगी आपसे। गुड नाइट। सो अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि शनिवार की सुबह। तो सुबह के काफ़ी कुछ काम मैं कर चुकी हूँ और अभी थोड़ा रुक के ही मैं नहाने जाती हूँ। जैसे कि भोर में एकदम उठ के नहा लो, वैसा मैं अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सालों से मुझे थोड़ा ठंड की प्रॉब्लम हो गई है, कमर दर्द पकड़ लेता है मुझे। सो बस थोड़ी देर यहाँ पर मैं बैठी रही हूँ, गीज़र मैंने ऑन कर दिया था और बस उसी ट्राई में रहती हूँ, वही सोचती रहती हूँ 24 घंटे की कैसे फेसबुक पेज एंड प्रोफाइल को रिकवर किया जाए। तो प्रोफाइल तो मुझे मिल गई है बट पेज का एक्सेस मेरे पास नहीं है, तो पता नहीं कैसे मिलेगा, क्या होगा नहीं पता। तो यहाँ थोड़ी देर बैठ के उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी और नहा के मैंने की सबसे पहले पूजा। और आज आपको एक बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी डिलीशियस रेसिपी देने जा रही हूँ गोभी मंचूरियन की। तो सबसे पहले तो जो गोभी लवर हैं यानी कि जो गोभी को पसंद करते हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, और इस ठंड में गोभी बहुत अच्छी आती हैं। सो आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और सुबह का टाइम है सो सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सो मैं बात कर रही थी कि अगर आपको गोभी पसंद है तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।
आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। बस यही नहीं कि बच्चों को पसंद आएगी, सभी को बहुत पसंद आएगी। गोभी मंचूरियन की रेसिपी है, तो बस थोड़ी देर में आपको रेसिपी देती हूँ। सो पूजा करके यहाँ आ गई किचन में, और एज़ यूजुअल सबसे पहले यहाँ दूध चढ़ा रही हूँ चाय के लिए, और एक लीटर का पूरा ही दूध मैं गर्म कर रही हूँ, क्योंकि आजकल हमारी आँचल जो है वो जो कॉफ़ी बीटर हमने मंगाया है ना, उससे वो मतलब कॉफ़ी पीने लग गई है। और वैसे भी रात को वो जगती है, पढ़ती है, क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसके। अभी 10 को भी उसका एग्ज़ाम्स था एंड 17th को भी उसका एग्ज़ाम्स था। अभी फिर 2-3 दिन के बाद में उसका एग्ज़ाम है, तो यही है कि फिर वो सुबह 5, 5:30, 6 बजे तक पढ़ती है, उसके बाद में वो सोती है। इसी वजह से मैं उसको बोल देती हूँ कि तू दूसरे वाले रूम में सो जा, तो रूम को मैं कर देती हूँ बंद, यानी कि दरवाज़ा भेड़ देती हूँ ताकि डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि नींद फिर पूरी नहीं होगी बच्चे की तो कोई पढ़ेगा कैसे और क्या काम करेगा। तो फिर नींद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नींद से याद आया कि सबसे कम अगर मेरे घर में कोई सोता है तो वो हूँ मैं, तो नींद तो पूरी होनी ही चाहिए। मैं, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं 1:30 से 2 बजे रात तक अपना काम करती हूँ, एडिटिंग एंड ऑल, उसके बाद सोती हूँ और फिर वही एकदम भोर में उठ जाती हूँ। इसी वजह से मैं ट्राई करती हूँ कि भाई दोपहर को कुछ नहीं तो आधा घंटा तो कम से कम रेस्ट करने को मिल ही जाए, और कभी कभी क्या ज़्यादातर यही होता है कि टाइम ही नहीं मिलता है। सो चलिए, बात करते करते यहाँ बन गई थी चाय, उसके बाद में मैंने यहाँ पे चाय ली है, और नाश्ता तो मैं कर ही चुकी थी, उसके बाद मैंने यहाँ चाय ली है। सो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको गोभी मंचूरियन की बहुत ही ईजी सी रेसिपी। तो यहाँ पानी ले लिया है एक पैन में मैंने, किसी भी बर्तन में आप ले लीजिए, थोड़ा नमक लिया है, और यहाँ इसको बॉयल करने के लिए चढ़ा रही हूँ। तो गोभी एक ऐसी सब्ज़ी है जो बहुत जल्दी बन जाती है, तो इसको बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, जस्ट एक बॉयल आ जाए उसके बाद में 30 सेकेंड या 40 सेकेंड के लिए इसको आप बॉयल होने दीजिए, या फिर 1 मिनट के लिए, उसके बाद इसको आप रिंस कर दीजिए, निकाल दीजिए पानी में से। सो यहाँ ले ली है मैंने 2 प्याज, और ये 2 शिमला मिर्च नहीं है, 1.5 है, आधी मैंने यूज़ कर ली थी सैंडविच में। तो बस ये जैसे आपने देखा है कढ़ाई पनीर वगैरह में इस तरीके से प्याज और शिमला मिर्ची डालते हैं, सो मंचूरियन में भी डालते हैं, तो इसी तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है, तो सब्ज़ी बढ़ भी जाएगी और इससे टेस्ट भी काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। सो यहाँ पे कट कर लिया था, तब तक यहाँ गोभी भी हो गई है। इससे क्या है कि गोभी की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी निकल जाएगी, और मंचूरियन बनेगी बहुत जल्दी। आप बिना बॉयल किए भी बना सकते हैं, बट इस तरीके से आप बनाइएगा तो बहुत स्पीड में बनेगी और बहुत टेस्टी बनेगी। सो यहाँ पूरा पानी गोभी का निकल गया था, तो उसको एक बाउल में मैंने लेके 2 चम्मच, छोटे चम्मच हैं, कॉर्नफ्लोर डाला है, और 1 चम्मच के करीब मैंने डाला है बेसन, तो ये बाइंडिंग में हेल्प करेगा और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर, ये रेगुलर वाली लाल मिर्ची पाउडर है, और एकदम ज़रा सा मैंने इसमें नमक डाला है, 1 बहुत ही छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट का मैंने डाला है, आप चाहें तो क्रश करके भी डाल सकते हैं। तो बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। पानी अब मैंने कुछ बूंद पानी की डाली है, क्योंकि गोभी जो बॉयल की थी ना तो उसमें भी मॉइस्चर था, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। बस ये मिक्स हो गया है, और यहाँ चढ़ा दिया है तेल, तो यहाँ मैंने लिया है राइस ब्रैन ऑयल यानी कि रिफाइंड ऑयल, तो आप चाहें तो आप सरसों तेल में भी बना सकते हैं, बट मैंने इसलिए नहीं बनाया कि इसमें थोड़ी सी भी जैसे महक आ जाएगी ना मंचूरियन वगैरह में, तो इसलिए इस वजह से मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया है, क्योंकि सरसों तेल का जो स्मेल होता है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और ये सब जो चाइनीज़ डिश है ना, मंचूरियन, चिल्ली, चाउमीन वगैरह, ये सब ये वाले ऑयल में ही सही रहता है, क्योंकि फिर उसमें ये रहता है कि कच्चे तेल की स्मेल आ जाएगी। तो बस यहाँ 2 बैच में ही पूरी गोभी फ्राई हो गई थी, और शिमला मिर्ची एंड प्याज को मैंने ज़रा सा भी कोई सौते या फ्राई वगैरह अलग से नहीं किया है, तो बस ये दोनों ही बैच यहाँ पे अच्छी तरीके से फ्राई हो गए थे, और इसको इस तरीके से भी आप विंटर्स में इंजॉय कर सकते हैं। देखिए क्रिस्पी इस टाइम पे काफ़ी था ये, और उसके बाद में जो एक्सेस ऑयल है वो मैं पूरा निकाल रही हूँ। बस इसमें जो ऑयल लगेगा वो फ्राई करने में ही लगेगा, उसके बाद में बिल्कुल ज़रा से ऑयल में आप इस मंचूरियन को बना सकते हैं। ये लहसुन ले लिया है मैंने 10 से 12 कली, और उसको मैंने चिल्ली कटर में कर लिया था, तो एकदम से जैसे कि छोटे छोटे हो गए हैं, इसको पूरा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है लहसुन को, क्योंकि मेरा ये जो तेल है ये काफ़ी गर्म था, तो डालते ही ज़रा सा कलर आ गया है, बट इसको ब्राउन नहीं करना है। और साथ के साथ ही मैंने डाला है शिमला मिर्ची और प्याज, उसको ज़रा सा चलाने के बाद में मैंने हिसाब से पानी डाला है। अब दिस इज़ टोटली अप टू यू कि आपको हल्की सी ग्रेवी वाली मंचूरियन चाहिए या फिर
आपको सूखी वाली चाहिए, ड्राई वाली, तो मुझे पूरी ड्राई वाली ही बनानी है। सो बस इसमें हल्का सा बॉयल आया ही है, एक छोटा चम्मच मैंने सोया सॉस का, हाफ टी स्पून विनेगर और 2 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे रेड चिल्ली सॉस डाली है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है हाफ टी स्पून के करीब और टमाटो केचप डाला है। फ़िलहाल 2 चम्मच के करीब टमाटो केचप मैंने डाला, बाद में और भी थोड़ी रिक्वायरमेंट थी तो फिर बाद में फिर से डाला है। सो अभी ये अच्छी तरीके से सब्जियां भी पक गई हैं और ये 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को मैंने हल्का सा गाढ़ा करके पानी में घोल रखा था, थोड़ा सा डाला है, एक बार में पूरा मत डालिएगा क्योंकि ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। बस ये हल्का सा गाढ़ा हुआ, साथ के साथ ही आपने देखा जैसे मैंने डाला, बस मैंने साथ के साथ ही इसमें डाल दिया गोभी और इसको एक अच्छा सा मिक्स दे रही हूँ मैं। और उसके बाद में थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची और डाली है, यहाँ मैं फूड कलर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, इसी से कलर और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ मैंने नमक को चेक कर लिया, थोड़ा सा कम था तो नमक को बैलेंस किया है और आप समझ लो कि ऑलमोस्ट डन है। बस जो गोभी है ना वो फ्राई होने की देर है और मंचूरियन तो यूँ बन जाती है, तो टेस्ट में हल्का सा इसमें मिठास कम थी तो मैंने दोबारा से 1 चम्मच के करीब टमाटो केचप का डाला है। और इस टाइम पे आप अगर आपके पास में स्प्रिंग अनियन हो यानी कि हरी प्याज तो उसका ग्रीन पार्ट आप ऊपर से डालिएगा, मेरे पास नहीं था, बस मैंने 30 सेकंड के लिए स्लो गैस पे ढका था। देखिए बिल्कुल ड्राई वाली रेडी है मंचूरियन और मैंने ग्रीन चिल्ली के साथ इसको ऊपर से गार्निश किया है, तो बस बहुत जल्दी बन गई थी और रखी रखी भी ये थोड़ी गाढ़ी होगी तो उसी हिसाब से आप बनाइएगा। बस यहाँ मंचूरियन बन गई थी और उसके बाद में यहाँ मुझे बनानी थी खिचड़ी, क्योंकि सैटरडे का दिन था तो ये मैंने शाम के लिए बनाई थी मंचूरियन, और फिर दोपहर के लिए मैंने चटनी तो पीस ली थी पहले ही और फिर उसके बाद में चोखा और खिचड़ी बनाया है यहाँ काउंटर वगैरह सारा क्लीन करके। अब बनाई तो मैंने खिचड़ी थी दोपहर के खाने में, लेकिन अभी मैं सैलेड, जो ठंड का टाइम रहता है मैं डेली बेसिस पे रोज़ बनाती हूँ इतना सैलेड, तो उसमें मूली तो 100% इंक्लूड रहेगी क्योंकि खाने के साथ में बड़ी बढ़िया लगती है। ये जो अभी वाइट वाली मूली आती है ना, इसमें हल्की हल्की मिठास भी रहती है और बहुत अच्छी लगती है। तो वहाँ मैंने सैलेड काट के रख दिया था और यहाँ पर सरसों तेल और घी को मिक्स करके लिया है, थोड़ी सी हींग मैंने पहले ही डाल दी है, जीरा डाला है और थोड़ी सी मैंने प्याज डाली है यानी कि एक बड़ी प्याज। सो यहाँ लगाऊंगी खिचड़ी में तड़का और उसके बाद में यहाँ 3 से 4 सीटी मैंने लगा ली थी, ये मोटे वाले जो चावल है मिनी गेट उसकी खिचड़ी मैंने तैयार की थी, मटर भी नहीं था मेरे पास में तो बस ऐसे ही बनाई, बट बनी बहुत अच्छी है। तो यहाँ बन के रेडी हो गई थी और हरा धनिया डाला है मैंने और तब तक वो तड़का जो मैंने चढ़ाया था वो रेडी हो गया था, तो फिर लगाया है मैंने छौंक। तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है और खिचड़ी क्या है ना, रखी रखी जल्दी गाढ़ी हो जाती है, तो जैसे बने तो बस जैसे आपको खाना है उससे आधे घंटे पहले आप कुकर चढ़ा दीजिए और गर्मा गर्म बन जाती है और उसको इन्जॉय कीजिए, क्योंकि रखी रखी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो फिर अच्छी नहीं लगती है। तो बस खाने का टाइम तो हो ही गया था और साथ में मैंने साइड में ये आलू भी बॉयल कर लिए थे, तो प्याज, हरी मिर्ची और नमक और नींबू, दैट्स इट, इसमें और कुछ भी नहीं डाला है और ऊपर से बस डालूंगी हरा धनिया। सो चोखा भी बन गया और चटनी मैंने पहले ही पीस ली थी खिचड़ी चढ़ाने से पहले। सो बस यहाँ पे ये बन के रेडी हो गया था। सो आपको करके दिखाती हूँ प्लेटिंग, विंटर स्पेशल, गर्मा गर्म एकदम सैटरडे स्पेशल, एक्चुअली खिचड़ी, चोखा, चटनी, पापड़ और साथ में सैलड जो मैंने काटा है। सो बड़ी टेम्पटिंग सी थाली थी और हाँ, टेंशन मत कीजिए, मैं मंचूरियन की भी आपको प्लेटिंग करके ज़रूर दिखाऊंगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मंचूरियन की रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इस ठंड तो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि गोभी बड़ी बढ़िया बढ़िया आ रही है अभी।
ये थी हमारी सैटरडे स्पेशल लंच थाली, आलू का चोखा, सैलेड, हरे धनिया पुदीने की चटनी, पापड़, खिचड़ी विथ देसी घी। तो खा के सबको मज़ा आ गया था, हम सब ने एक ही साथ में बैठ के खा लिया था। इतना ज़्यादा डिलीशियस एंड टेस्टी बना था कि आपको क्या बताऊँ। सो ये आप शक्ल देख के समझ सकते हैं कि कैसा बना था। सो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ दोनों ही रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे व्लॉग्स की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।